साथियों नमस्कार। आज सुबह सुबह जो है एक साथी के फोन कॉल के ऊपर उनके ट्यूबवेल पर पहुंचे और उन्होंने ये काला काला जो सांप है वो दिखाई दिया। उन्होंने सूचना दी कि उनके यहाँ ट्यूबवेल की जो कोठड़ी जिसको बोलते हैं उसमें सांप घुसा हुआ है और उसी सिलसिले में यहाँ आए थे। सुबह सुबह आकर देखा तो ये महात्मा जी जो है इनके दर्शन हुए और ये उसमें घुसा हुआ था अंदर कमरे में और अब इसको जो है हमने काबू किया है और काबू करने के बाद जैसा कि आप जानते ही हैं कि हम इसको कहीं जो है ऐसे स्थान पर जहां पर ये सुरक्षित रह सके, क्योंकि ये वही सांप है, ये किसान के कोठड़ी के ट्यूबवेल की कोठड़ी में था और किसान का मित्र था, लेकिन किसान को पहचान न होने के कारण अक्सर किसान इससे डरने लगता है और डर में इसकी जान भी ले लेता है और कई बार डर में इंसान की भी जान ले लेता है। ये इंसान क्योंकि सांपों से डरता है, बहुत सी खबरें पढ़ता है अखबारों में टीवी पे, भाई सांप जो है वो काट जाते हैं और काटने से व्यक्ति मर सकता है, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ ये बिल्कुल भी जहरीला सांप नहीं है। आप देखें छुटने के लिए ये किस तरह का प्रयास कर रहा है भागने के लिए, इसके ऊपर पैर वगैरह टिक जाए तो कोई दिक्कत नहीं जी? ना, ये पैर टिक जाएगा, ये भाग जाएगा पूरी तरह से, कोशिश करता है कि ये भागने की, देखो भागने की कोशिश कर रहा है ये, जैसे धीरे धीरे ये शांत हो जाएगा और देखो कहाँ घुस गया है। ये अपने आप को याद भी डर बहुत ज्यादा है, हाँ ये इंसान से डरता है और डर में अभी ये देखो आप भागना चाहता है। ये किसान मित्र सांप है, रैट स्नेक उसको बोलते हैं, चूहे खाने वाला सांप है, ये चूहे वाला खाने वाला सांप है, डरने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी सांप और सांपों को जो है पकड़ कर निश्चित स्थान पर जहां आपको ये लगे कि भी यहां आ जाइए। और ये यहां चूहों की तलाश में आया है और मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि यहां चूहों के बहुत बिल हैं, ये देख सकते हैं ये चूहों के बिल हैं यहां आसपास में और ये बेचारा शिकार करने के लिए आया था लेकिन आज दुर्भाग्य से हमारे हाथ लग गया, शिकारी को मिल गया, हाँ। और अब हम इसको जो है वो कहीं निश्चित स्थान पर जहां पर सुरक्षित रहेगा ये लंबे समय तक, वहां इसको छोड़ देंगे ताकि ये अपनी वंश वृद्धि कर सके, अपना परिवार बना सके और किसानों की मदद कर सके। धन्यवाद। अब यहां तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।